नगर परिषद सुजानपुर के पूर्व अध्यक्ष रमन भटनागर ने विकास कार्यों को लेकर अपनी पार्टी के ही पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा कि वे पार्टी से जरूर जुड़े हैं, लेकिन पार्टी में कोई भी गलत कार्य करता है और सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल होता है तो वे उसके खिलाफ आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। उनके लिए ईमानदारी पहले आती है और पार्टी दूसरे स्थान पर आती है। आपको बता दें कि नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रमन भटनागर ने सुजानपुर बस स्टैंड पर नगर परिषद द्वारा लगवाए गए विकास कार्यों पर आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बस स्टैंड पर जो निर्माण काम किया गया है उसमें कुछ स्थानों पर नाली को पक्का किया गया है, बाकी कई जगह पर उसे छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये सब राजनीति से प्रेरित है और विकास कार्यों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बस स्टैंड पर एक दुकान के आगे का हिस्सा पक्का करने से छोड़ दिया गया उसको देखकर लगता है कि गड़बड़ जरूर है। उन्होंने कहा कि वे इसकी शिकायत लिखित तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हमीरपुर उपायुक्त से करेंगे। अपना सड़क बनी है, इन्होंने एक हिस्सा छोड़ दिया बनाने के लिए, और इसके लिए मैं स्पेशल वार्ड मेंबर 9 के पास गया कि आपने हिस्सा क्यों छोड़ा, और मैंने प्रधान जी को भी फ़ोन किया और उन्होंने जानबूझकर इस काम को छोड़ा और उसको डराया धमकाया गया कि तेरे में ऊपर तक पेड़े तोड़ दूंगी, जो शटर तक इनके पुराने पेड़े लगे हुए हैं, जबकि वहाँ पर नाली बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हाफ कट नाली बनाने की जगह नहीं है, अगर वैसे भी टाइल पड़ जाती तो पड़ जाने थी, परंतु ये वार्ड नंबर 9 और प्रधान जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं और इनकी मनमानी शहर में नहीं चलने दी जाएगी। अगर उन्हें मनमानी करनी है तो इसके लिए हम भी इसका कड़ा उत्तर देंगे। ये इस बात को समझ ले, ये पैसा सरकारी है ना, ये वार्ड नंबर 9 का पैसा है, उस मेंबर का पैसा है, ना ही ये प्रधानी का पैसा है, ये पैसा जो सरकारी है, सरकार का पैसा ठीक लग जाइए और जो ठीक काम है वही काम हो जाइए। मैं इस काम के कड़े भर्सना का कड़े शब्दों निंदा करता हूँ, जो उन्होंने जगह छोड़ी हुई वहाँ पर काम नहीं किया। हाल में आपने कांग्रेस का दामन थामा है, नगर परिषद के प्रधान भी आपके पक्ष में हैं, वार्ड नंबर 9 के पार्षद भी कांग्रेस से संबंध रखते हैं, तो क्या लगता है आपको कि आप इनके ही समक्ष जो है आज खड़े हो रहे हैं? मैं सच्चाई में चलने वाला आदमी हूँ, जो गलत करेगा उसके साथ मैं वैसे व्यवहार करता हूँ, और मुझे नहीं किसी से मतलब होता है कि कौन किस पार्टी का ये आदमी है, जो गलत करेगा उसका कड़े शब्दों में विरोध करेंगे और करते रहेंगे। ठीक।